दोस्तों सभी को नमस्कार। राष्ट्रपति टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा संविधान के भाग 5 के अंतर्गत, उसकी सारी जो चीज़ें थी राष्ट्रपति में, उसका निर्वाचन पद्धति क्या है, निर्वाचक मंडल कौन होगा, उसका कार्यकाल कितना होगा, उसकी योग्यताएं क्या होंगी, उसकी शक्तियां कौन कौन सी होंगी, सारी बातें जो हैं हमने राष्ट्रपति के संदर्भ में की हैं। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि मुझे एक लेक्चर स्पेशली इस पर बनाना चाहिए कि देश को आज़ादी मिलने से लेकर के वर्तमान समय तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं, कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं, उनके कार्यकाल में कौन कौन सी मुख्य बातें हैं। तो मुझे ऐसा लगा कि इसके ऊपर भी एक लेक्चर होना चाहिए। तो इसी उद्देश्य के साथ मैं आपके समक्ष ये वाली जो वीडियो है लेकर के आया हूँ। शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। देखिए, इसमें आपको ये लिस्ट नज़र आ रही है, इसमें आज़ादी मिलने से लेकर के वर्तमान समय तक जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं उनकी सबकी जो है उनका नाम लिखा हुआ है, और इस वाले कॉलम में उनका कार्यकाल लिखा हुआ है, कब से कब तक उन्होंने राष्ट्रपति बतौर राष्ट्रपति अपनी सेवाएं देश के लिए दी हैं। आप जानते हो संविधान के अनुच्छेद 52 में राष्ट्रपति का जिक्र किया हुआ है, देयर शैल बी प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, भारत का एक राष्ट्रपति होगा। विभिन्न बातें राष्ट्रपति के बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, मैं उन सभी बातों को दोहराना नहीं चाहूँगा। यहाँ बात करते हैं भारत के कौन कौन से राष्ट्रपति हुए हैं और उनके बारे में मुख्य मुख्य बातें क्या हैं। समझ गए आप? देखिए, जब संविधान बना और संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई, संविधान सभा की अंतिम बैठक जो हुई थी वो हुई थी 24 जनवरी 1950 को। तो 24 जनवरी 1950 को हमने अपना राष्ट्रपति चुन लिया, ठीक है। किसको चुना? जो संविधान सभा के अध्यक्ष थे उन्हीं को हमने राष्ट्रपति चुन लिया। वो कौन थे? वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पटना बिहार के रहने वाले थे। तो राजेंद्र प्रसाद ना केवल संविधान सभा के अध्यक्ष थे, बल्कि इसके अलावा जब एक अंतरिम सरकार बनी हुई थी, उस अंतरिम सरकार में वो खाद्य और कृषि मंत्री के रूप में भी उन्होंने कार्य किया था, ठीक है। तो राजेंद्र प्रसाद के बारे में कुछ विशेष बातें मैंने यहाँ मेंशन की हैं। पहली बात, जब 24 जनवरी 1950 में वो चुने गए और 1950 से लेकर के 1957 तक वो पहली बार राष्ट्रपति रहे, 1957 से लेकर के 1962 तक वो दूसरी बार राष्ट्रपति रहे, अर्थात एकमात्र वो ऐसे राष्ट्रपति हैं अभी तक के इतिहास में जिन्होंने दो बार राष्ट्रपति का पद संभाला है, ठीक है। दूसरी बात, वो ऐसे राष्ट्रपति हैं जिन्होंने सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन किसी राज्य में लगाया था, अर्थात आर्टिकल 356 का प्रयोग किया था 1951 में पेप्सू में, ठीक है, अर्थात तत्कालीन पंजाब राज्य में उन्होंने राष्ट्रपति शासन लगाया था। ये बात क्लियर हो गई। उसके बाद में जब राजेंद्र प्रसाद दोबारा चुने गए, तो अंतिम समय में मैं यूँ कहूँ कि 1961-62 के जो दौर में जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे और राजेंद्र प्रसाद, इन दोनों के बीच में कुछ मतभेद होने लगे थे। एक इशू तो ये भी था, जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार किया गया था तो उसका उद्घाटन करने के लिए राष्ट्रपति चले गए थे। नेहरू इस बात से कोई बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, क्योंकि नेहरू का ये मानना था अगर देश का राष्ट्रपति वहाँ जाएंगे तो उससे कहीं ना कहीं जो देश की पंथ निरपेक्षता है, वो पंथ निरपेक्षता वाली जो नीति हमने अपनाई है, कहीं ना कहीं उसको ठेस पहुंच सकती है। बहरहाल बात ये हुई, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने अपने कार्यकाल के अंतिम समय में ये कह दिया कि मैं अगली बार चुनाव जो है नहीं लड़ूंगा, और एक परंपरा सी बन गई कि उसके बाद राष्ट्रपति केवल एक ही बार जो है अपना कार्यकाल पूरा कर पाते हैं, दोबारा जो है अभी तक नहीं बन पाया है। वैसे मैं आपको बता दूं, आर्टिकल 57 में ये बाकायदा प्रावधान है कि एक व्यक्ति कितनी भी बार राष्ट्रपति बन सकता है, अमेरिका की तरह नहीं है, अमेरिका में तो केवल दो ही बार बन पाएगा। उन्होंने भी 1940 से 50 के बीच में जो है संविधान संशोधन किया था, क्योंकि रूजवेल्ट जो थे वो लगातार चार बार वहाँ के राष्ट्रपति रहे थे, तो उन्होंने ऐसा प्रावधान कर दिया कि अगर लगातार चार बार एक ही व्यक्ति राष्ट्रपति रहेगा तो दूसरे व्यक्तियों को मौका कैसे मिलेगा। तो इसलिए उन्होंने अपने संविधान में संशोधन करके ये प्रावधान रख दिया कि दो ही बार कोई व्यक्ति राष्ट्रपति रह सकता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं है, कोई व्यक्ति कितनी बार भी राष्ट्रपति बन सकता है, राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन हो सकता है आर्टिकल 57 के अनुसार। ये बातें हुई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में, ठीक है।
अगले राष्ट्रपति देखते हैं डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जो थे वो तमिलनाडु से बिलोंग करते थे और जब राजेंद्र प्रसाद राष्ट्रपति थे तो वो देश के पहले उपराष्ट्रपति चुने गए थे। देश का प्रथम राष्ट्रपति कौन चुना गया? राजेंद्र प्रसाद। देश का प्रथम उपराष्ट्रपति कौन है? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 5 सितंबर को उनका जन्म हुआ था 1888 में। इस वजह से शिक्षा में बहुत बड़ा इनका योगदान रहा है, ठीक है, और इसी वजह से 5 सितंबर को इनके जन्मदिवस को हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, ठीक है। इनका जो कार्यकाल है वो 1962 से लेकर के 1967 तक चला है। स्वतंत्र भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति ये रहे हैं। जैसे राजेंद्र प्रसाद 2 बार राष्ट्रपति रहे, ऐसे ही ये 2 बार उपराष्ट्रपति रहे लगातार। जैसे ही 67 में वो उपराष्ट्रपति से पद से उन्होंने त्यागपत्र दिया, तुरंत उनको राष्ट्रपति के तौर पर निर्वाचित किया गया। इनका जो जन्मदिन है वो 5 सितंबर को, उस दिन शिक्षक दिवस मनाते हैं। उसके बाद नंबर 3 पे बनते हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन, ठीक है, क्योंकि ये मैंने 2 लिख दिया है 2 बार, क्योंकि राजेंद्र प्रसाद 2 बार रहे हैं, कंफ्यूज मत होना। एक व्यक्तिगत रूप से देखा जाए तो नंबर 3 के जो हैं वो हैं डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में कुछ खास बातें ये हैं। एक तो ये पहले अल्पसंख्यक अर्थात मुस्लिम समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति थे। दूसरी बात, ये अपने पद पर थे, जैसे ही 1967 में इनको चुना गया, 1967 में चुने जाने के बाद में 2 साल का इन्होंने राष्ट्रपति पद पर रहते हुए समय बिताया। 1969 में इनका निधन हो गया। ये एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, तबला बजाने में बड़े माहिर थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। तो क्या हुआ, इनका पद पर रहते हुए निधन हो गया। अब राष्ट्रपति 5 साल के लिए हमने चुना है, लेकिन यहाँ पर कंडीशन क्या हुई, केवल 2 साल का ही कार्यकाल वो पूरा कर पाए, उसके बाद उनका निधन हो गया। निधन होने से हमने क्या किया, हमारे पास ऑप्शन होता है आर्टिकल 65 के अनुसार। आर्टिकल 65 में ये लिखा हुआ है 65 में कि अगर राष्ट्रपति का पद खाली हो जाए तो उपराष्ट्रपति जो है वो क्या करेगा, कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। राष्ट्रपति की जो राष्ट्रपति का जो पद है उसको खाली नहीं छोड़ा जाएगा। तो वीवी गिरी को क्या बना दिया, वीवी गिरी को हमने बना दिया कार्यवाहक राष्ट्रपति। इतनी बात समझ में आई। अब कुछ समय बीता, जैसे 6 महीने का समय होता है, 6 महीने के अंदर चुनाव कराने जरूरी होते हैं, ठीक है, तो कुछ समय के लिए वीवी गिरी राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में रहे। अब वीवी गिरी का मन हुआ कि मैं क्यों ना राष्ट्रपति ही बन जाऊं। जब राष्ट्रपति का चुनाव होना था तो उन्होंने चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के लिए नामांकन दाखिल कर दिया, अर्थात वो चुनाव में खड़े हो गए। तो अब ध्यान से देखो, जैसे ही वीवी गिरी खड़े होंगे, उपराष्ट्रपति का जो पद था उससे इन्हें इस्तीफा देना पड़ा, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। अब आप ध्यान से देखना, अब कंडीशन ऐसी है कि जो प्रेसिडेंट है उसका पद भी खाली है और जो वाइस प्रेसिडेंट है उसका पद भी खाली है। क्यों, प्रेसिडेंट जाकिर हुसैन थे वो तो मर चुके हैं, उनकी जगह पर वाइस प्रेसिडेंट कौन थे, वीवी गिरी, वो काम कर रहे थे, लेकिन उन्होंने इस्तीफा दे दिया ताकि वो चुनाव में खड़े होने वाले आने वाले समय में। अब ये हुआ, समस्या ये आ गई, जैसे इन्होंने इस्तीफा दिया राष्ट्रपति का पद हो गया खाली, अब हम राष्ट्रपति के पद पर किसको बिठाएं, ये समस्या आ गई, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं। तब एक राष्ट्रपति उत्तराधिकार अधिनियम संसद से पारित हुआ, ये अधिनियम पारित किया गया और उसमें ये कहा गया अगर राष्ट्रपति अपने पद पर नहीं है तो उपराष्ट्रपति उसको संभालेगा। उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही नहीं हैं तो सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा वो जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। अब बात आती है, हो सकता है सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी अपने पद पर ना हो, उसका पद भी खाली हो, तो क्या करेंगे, तो सुप्रीम कोर्ट का वरिष्ठतम जो जज होगा, जो सीनियर मोस्ट जज होगा, वो कमान संभालेगा राष्ट्रपति के रूप में। बात समझ में आ गई। तो इस प्रकार से जो है अब राष्ट्रपति बनाया गया, कार्यवाहक राष्ट्रपति वीवी गिरी के बाद में वो बनाया गया इस अधिनियम के तहत, न्यायमूर्ति जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्ला को, ये CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, क्योंकि जो उपराष्ट्रपति वीवी गिरी थे उनकी जगह पर जो है इनको बनाया गया। तो यहाँ तक का आपको मामला समझ में आ गया, 1969 की बात चल रही है ये, ठीक है, क्योंकि 1969 में तो डेथ हुई है, ये कुछ महीनों के दौरान ही जो है राष्ट्रपति 3 चेंज हो चुके हैं। 1969 में पहले क्या हुआ, मई के महीने में जो राष्ट्रपति थे जाकिर हुसैन उनका निधन हो गया, उसके बाद में वीवी गिरी बने, वीवी गिरी भी लगभग महीने भर के करीब रहे, उसके बाद में मोहम्मद हिदायतुल्ला को बनाया गया। तो यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो अब
वीवी गिरी जो उपराष्ट्रपति थे उन्होंने राष्ट्रपति पद का चुनाव लड़ने के लिए अपने पद से त्याग पत्र दिया, तो उस स्थिति में जो है राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो गया। तब हमने आपको बताया कि जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह जो कि उस समय CJI थे उनको कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया गया। अब खेल कुछ होता है वो आपको समझने वाली बात है, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बात है राजनीतिक दृष्टिकोण से। उस समय क्या था, जब 1969 में ये उठा पटक चल रही थी राष्ट्रपति बनाने के बारे में, तो इंदिरा गांधी की और मोरारजी देसाई इन दोनों की बिल्कुल भी बनती नहीं थी, ठीक है। तो इंदिरा गांधी और मैं यूँ कहूँ मोरारजी देसाई के जो खेमे में जितने भी जो उस समय मंत्री थे तो उनकी इतनी ज़्यादा बनती नहीं थी। यूँ कह सकते हैं कि इंदिरा गांधी बनाम मोरारजी देसाई उस समय के हालात को देखते हुए। तो अब होता क्या है, कांग्रेस जो पार्टी है, कांग्रेस पार्टी अपना एक उम्मीदवार उतारती है राष्ट्रपति पद के लिए। उन्होंने उम्मीदवार उतारा नीलम संजीवन रेड्डी को, ठीक है। अर्थात केंद्र सरकार ने किसको उतार दिया राष्ट्रपति पद के लिए, अपना उम्मीदवार किसके चुना, नीलम संजीवन रेड्डी को। ध्यान करो, इस केंद्रीय सरकार में प्रधानमंत्री होते हुए भी इंदिरा गांधी अलग है। अब इंदिरा गांधी ये नहीं चाहती थी कि मोरारजी देसाई की खेमे वाला जो है राष्ट्रपति बने, क्योंकि वो तो मोरारजी देसाई की सारी बात मानेगा, बात समझ रहे हो। तो अब क्या हुआ, उन्होंने अपना कैंडिडेट उतार दिया। अब इंदिरा गांधी ने क्या काम किया, वीवी गिरी को निर्दलीय तौर पर उतार दिया। अर्थात ये निर्दलीय और ये किससे थे, कांग्रेस से। बोलबाला किसका ज़्यादा, इंदिरा गांधी का, कांग्रेस का नहीं। आप यकीन मानो, कांग्रेस सरकार अर्थात उस समय केंद्र सरकार ने जिस व्यक्ति का नाम सुझाया, नीलम संजीवन रेड्डी का, वो चुनाव हार गए। ऐसा इतिहास में पहली बार हुआ कि केंद्र सरकार ने जिस बंदे को भेजा है राष्ट्रपति पद राष्ट्रपति बनाने के लिए वो चुनाव हार गया। और इंदिरा गांधी ने जिसको चुनाव में उतारा अर्थात वीवी गिरी, ये चुनाव जीत गए, ठीक है। तो मैं वीवी गिरी की कहानी आपको बताना चाह रहा हूँ। वीवी गिरी उस समय उपराष्ट्रपति थे, मैंने बता दिया सारी बात आपको। 1969 की बात बताई मैंने, जो इलेक्शन 1969 से लेकर के 74 तक 5 साल ये कंप्लीट रहे, ये पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति बने थे, क्योंकि इन्हीं जब ये उपराष्ट्रपति थे उसी समय पर जाकिर हुसैन का निधन हुआ था। तो सबसे पहली बार नौबत आई कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाने का, तो वो वीवी गिरी के समय पर ही आई, ठीक है। दूसरी बात, ये खास बात ये है बहुत इंपॉर्टेंट याद रखने वाली, द्वितीय चरण की मतगणना में जीते थे। अर्थात पहले चरण की जब वोटों की काउंटिंग हुई तो कोई भी व्यक्ति, ना तो नीलम संजीवन रेड्डी ही ना ही वीवी गिरी, कोई भी व्यक्ति निश्चित कोटा नहीं प्राप्त कर पाया। अगर कोई भी व्यक्ति निश्चित कोटा प्राप्त नहीं कर पाए तो दूसरे चरण की मतगणना होती है, तो दूसरे चरण की मतगणना में ये जीते थे। ये मैं आपको थोड़ा एक रिकैप बता देता हूँ। ये जाकिर हुसैन, इनका निधन हो गया, इस वजह से कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया वीवी गिरी को इस्तीफा देना पड़ा उपराष्ट्रपति पद से, ताकि राष्ट्रपति का चुनाव लड़ सके। इसलिए फिर हमने जस्टिस मोहम्मद हिदायतुल्लाह को उस समय राष्ट्रपति बनाया कार्यवाहक रूप में। तो ये 74 तक की घटना मैंने बताई। दूसरी बात, वीवी गिरी उड़ीसा राज्य से संबंध रखते थे, उड़ीसा के रहने वाले थे। इतनी बात आपको क्लियर हो गई। वीवी गिरी जो थे 1969 से लेकर के 1974 तक राष्ट्रपति रहे। अब 1974 में जो नए राष्ट्रपति चुने गए उनका नाम है फखरुद्दीन अली अहमद, अर्थात अल्पसंख्यक समुदाय से, मुस्लिम समुदाय से दूसरे चुने जाने वाले राष्ट्रपति। इनका जो कार्यकाल है वो 74 से लेकर के 1977 तक का है। आप कहोगे 74 से 77 तक तो केवल 3 साल हुई, जबकि राष्ट्रपति कार्यकाल तो 5 वर्ष का होता है। वो इसीलिए क्योंकि इनके पद पर रहते हुए 1977 में इनका निधन हो गया था, ठीक है। जब निधन हो गया तो कार्यवाहक राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति को बनाया गया। उस समय उपराष्ट्रपति थे बीडी जत्ती, बात समझ आई। और जब ये राष्ट्रपति चुने जाने से पहले, ये उस समय की जो सरकार थी उसमें कृषि मंत्री थे, ये कौन, फखरुद्दीन अली अहमद। दूसरी बात, ये वही राष्ट्रपति हैं जिन्होंने 1975 में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कहने पर आपातकाल, राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 के तहत घोषित किया था। 1975 वाली इमरजेंसी, उसी की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। और वो इमरजेंसी
ये देश में पहली बार ऐसा हुआ था कि नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल जो है आंतरिक अव्यवस्था या फिर आंतरिक गड़बड़ी की वजह से लगाई गई हो। ठीक है, आप जानते हो आर्टिकल 352 में तीन आधार दिए हुए हैं, बाह्य आक्रमण होने पर, युद्ध में शामिल होने पर, या आंतरिक अव्यवस्था वर्तमान में जिसको सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया था 1978 में 44वें संविधान संशोधन से। तो पहली बार ऐसा हुआ कि आंतरिक अव्यवस्था के कारण जो है ये इमरजेंसी लगाई गई। तो उस समय जो थे वो फखरुद्दीन अली अहमद थे, ये इनके बारे में विशेष विशेष बातें हो गई। अब हम जो दौर देख चुके हैं राष्ट्रपतियों का, वो हम देख चुके हैं 1977 तक का, क्योंकि 74 से 77 तक फखरुद्दीन अली अहमद रहे थे। 77 में अब जो चुनाव होता है, जो फखरुद्दीन अली अहमद के निधन के बाद में, और उस चुनाव में निर्विरोध चुने जाते हैं कौन, नीलम संजीवन रेड्डी। आपको ध्यान होगा ये नाम, ये आंध्र प्रदेश के रहने वाले थे, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके थे नीलम संजीवन रेड्डी, और भारत के राजनीतिक इतिहास में आज तक के एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनको निर्विरोध चुना गया। ठीक है, और इनको जब इन्होंने शपथ ली, कार्यभार संभाला, वो संभाला 25 जुलाई 1977 को। इसी वजह से आज भी ये परंपरा है, आपने देखा होगा वर्तमान में जो द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बनी थी 2022 में, तो जो भी राष्ट्रपति शपथ लेता है वो 25 जुलाई को ही शपथ लेता है। क्यों? क्योंकि 25 जुलाई इस ऐसा कोई फिक्स नहीं है, ऐसा कोई संविधान में लिखा हुआ नहीं है, बस ये परंपरा बन गई कि 25 जुलाई को भारत के राजनीतिक इतिहास में एक बड़ी शानदार घटना हुई, क्योंकि 25 जुलाई को जो है निर्विरोध चुना गया राष्ट्रपति को, किसको, नीलम संजीवन रेड्डी को। इसी वजह से 25 जुलाई को ही हमने शुभ मान लिया, ऐसा कह सकते हैं 25 जुलाई को हर राष्ट्रपति शपथ लेकर के कार्यभार संभालता है। ठीक है, इतनी बात सुनिए, ये नीलम संजीवन रेड्डी के बारे में बात हुई। ठीक, 1982 में जब राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, नीलम संजीवन रेड्डी का कार्यकाल पूरा होने के बाद में, तो 82 वाले चुनाव में राष्ट्रपति चुन करके आए सिख समुदाय से, जिनका नाम था सरदार ज्ञानी जैल सिंह। ये ज्ञानी जैल सिंह पहले पंजाब के सीएम भी रहे थे। ठीक है, अब 1982 में सरदार ज्ञानी जैल सिंह राष्ट्रपति बने, सिख समुदाय से आने वाले पहले राष्ट्रपति। मैं ऐसे कहूं कि अल्पसंख्यक समुदाय से आने वाले तीसरे राष्ट्रपति, क्योंकि पहले दो बनाए जा चुके हैं, पहले जाकिर हुसैन, दूसरे फखरुद्दीन अली अहमद, और तीसरे जो हैं ज्ञानी जैल सिंह। लेकिन सिख समुदाय से मैं बात करूं तो वो पहले है राष्ट्रपति जो बने हैं। इन्होंने एक खास बात इनके समय पर हुई, इन्होंने पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया। पॉकेट वीटो आप जानते हो, पॉकेट वीटो एक ऐसी वीटो पावर होती है जिसमें राष्ट्रपति ना तो किसी विधेयक के को स्वीकृति देता है, ना ही अस्वीकृति देता है, उसको वो आरक्षित रख लेता है, उसको वो ऐसे ही छोड़ देता है, अर्थात उसको पॉकेट में डाल लेता है, ना तो हाँ उसको बोलेगा ना ना बोलेगा, उसको छोड़ देगा ऐसे ही। वो विधेयक था भारतीय डाकघर संबंधी विधेयक, राजीव गांधी की सरकार द्वारा ये पेश किया गया था। ठीक है, इसमें प्राइवेसी से जुड़ा हुआ कुछ मामला था। ठीक है, तो पॉकेट वीटो का इस्तेमाल करने वाले एकमात्र राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह, प्रथम सिख समुदाय से आने वाले प्रथम राष्ट्रपति सरदार ज्ञानी जैल सिंह। तो इनका जो कार्यकाल रहा है 1982 से लेकर के 1987 तक रहा है। लेकिन इनके कार्यकाल के दौरान बहुत सी ऐसी राजनीतिक घटनाएं हुई हैं, आपको याद करना चाहिए, ऑपरेशन ब्लू स्टार, इंदिरा गांधी की हत्या, ठीक है, सिखों के विरुद्ध दंगे, ये सब इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुई थी घटनाएं, जो महत्वपूर्ण घटनाएं। ठीक है, 1987 में जब ज्ञानी जैल सिंह जी का कार्यकाल पूरा होता है, उसके बाद में नए राष्ट्रपति चुने जाते हैं जिनका नाम है आर वेंकट रमन। ये आर वेंकट रमन, अधिकतर किताबों में आपको आर वेंकट रमन ही लिखा मिलता है, इस आर का मतलब है रामास्वामी वेंकट रमन। ठीक है, 87 से लेकर के 92, 1992 तक इनका कार्यकाल रहा। कुछ खास बातें इनके बारे में, एक तो ये तमिलनाडु के रहने वाले थे, तमिलनाडु से इनका संबंध था। दूसरी बात, इंदिरा गांधी की सरकार में ये वित्त मंत्री के तौर पे ये रहे थे। अब आपको एक चीज़ और लेटेस्ट की याद आनी चाहिए, कुछ समय पहले की, लेटेस्ट में नहीं कहूँगा, जो प्रणब मुखर्जी थे वो भी वित्त मंत्री रहे थे कांग्रेस सरकार में, जब मनमोहन सिंह पीएम थे, है ना। तो उसी प्रकार से ये भी वित्त मंत्री रहे थे और इनको राष्ट्रपति चुना गया बाद में। दूसरी बात, इनके कार्यकाल में सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री बदले, मतलब राजनीतिक उठापटक इतनी हुई कि इनको लगभग 4 प्रधानमंत्रियों को शपथ दिलानी पड़ी।
बात समझे आपको। तो क्या हुआ, देखो सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री को शपथ दिलाई कितने को, चार को। पहले राजीव गांधी जिनकी सरकार 1984 से लेकर 1989 तक चली, क्योंकि आपको पता है 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या हो गई थी, इंदिरा गांधी के बाद में राजीव गांधी पीएम बने थे और प्रचंड बहुमत के साथ कांग्रेस में आई थी, क्योंकि कांग्रेस के साथ लोगों की सहानुभूति बहुत ज़्यादा थी इंदिरा गांधी की हत्या के बाद में। उसके बाद 1989 में जैसे उनका कार्यकाल ख़त्म होता है तो 1989 में जब इलेक्शन होते हैं उसमें वीपी सिंह बनते हैं, इनकी सरकार भी लगभग एक साल चली 1989 से 90 तक। वीपी सिंह की सरकार भी लगभग एक साल चली, उसके बाद में सरकार बनती है चंद्रशेखर की, पीएम चंद्रशेखर बनते हैं 1990 से 91। 1991 में जाकर के फिर कहीं एक स्थिर सरकार बनती है पीवी नरसिम्हा राव की, और 1991 का वो दौर है जिस समय पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में आर्थिक संकट का खतरा मंडराया था और वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। एलपीजी वाली जो स्कीम इसी समय पर आई थी, लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन एलपीजी, ठीक है। तो 12वें नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं वो बनते हैं शंकर दयाल शर्मा। एक्चुअल में शंकर दयाल शर्मा जो थे वो उपराष्ट्रपति थे, उपराष्ट्रपति से इन्होंने फिर राष्ट्रपति के लिए नामांकन किया, राष्ट्रपति के लिए चुनाव में बतौर उम्मीदवार उतारे गए और ये जीते भी, ठीक है। तो इनका जो कार्यकाल था 1992 से लेकर के 1997 तक का था, ठीक है, इनके बारे में कुछ खास बातें नहीं है। उसके बाद में 13 नंबर के जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका नाम है KR नारायण। KR नारायण इसकी फुल फॉर्म बताता हूँ, कोचरी रमन नारायण। ये सन 1997 से लेकर के 2002 तक राष्ट्रपति रहे। खास बात, ये पहले ऐसे राष्ट्रपति हैं जो दलित समुदाय से थे। आपसे पूछे कि पहले मुस्लिम राष्ट्रपति, आप कहोगे डॉक्टर जाकिर हुसैन। आपसे पूछे पहले अल्पसंख्यक राष्ट्रपति, तो भी आप कहोगे जाकिर हुसैन। पहले सिख राष्ट्रपति, तो आप कहोगे ज्ञानी जैल सिंह। आपसे पूछे पहले दलित समुदाय से आने वाले राष्ट्रपति, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे KR नारायण। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। अब आगे देखिए, पहले कार्यवाहक राष्ट्रपति आप कहोगे VV गिरी, क्योंकि वो उपराष्ट्रपति थे जिस समय मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की, ठीक है। उसके बाद में अगले राष्ट्रपति बनते हैं 2002 में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ये नाम अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम है, इस नाम को किसी परिचय की ज़रूरत नहीं है, ये नाम किसी परिचय का मोहताज नहीं है। इनके बारे में जितने शब्द कहे जाएं उतने कम हैं। इनके 7 तथ्य ये आपको याद करना चाहिए, पहले ऐसे राष्ट्रपति जो वैज्ञानिक थे, पहले वैज्ञानिक जो है वो राष्ट्रपति बना है, DRDO, ठीक है, नाम सुना है DRDO में अपनी सेवाएं दी इन्होंने, रक्षा मंत्रालय के अंदर इन्होंने अपनी सेवाएं दी। इनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, इन्होंने भारतीय रक्षा अनुसंधान क्षेत्र में जो अपना अतुल्य योगदान दिया है शायद ही वो कोई दे पाए, ठीक है। तो इनके बारे में क्या ही एक्सप्लेन करूँ मैं, मुझे लगता है कि शब्द काफ़ी कम पड़ जाएंगे, ठीक है। सबसे महान हम ही कहेंगे पीपल्स प्रेसिडेंट इनको कहा जाता है, बिल्कुल आम जीवन शैली, ठीक है। तो ये कहानी जो हुई है वो कहानी हमारी पहुंची है सन 2007 तक। सन 2007 में राष्ट्रपति अगला चुना जाना होता है, सत्ता में बैठी होती है कांग्रेस सरकार एक ऐसा नाम राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में भेजती है कि उससे भी राजनीतिक इतिहास में ये पहली दफ़ा कोई ऐसा चांस पड़ा हो। वो नाम भेजते हैं श्रीमती प्रतिभा पाटिल का। प्रतिभा पाटिल जो कि महाराष्ट्र की विधानसभा में लगभग 5 बार विधायक रह चुकी थी, लोकसभा की सदस्य भी वो रही थी अमरावती से महाराष्ट्र में, लेकिन इनका जो संबंध है वो राजस्थान से था, ठीक है। राजस्थान वो रहने वाली महाराष्ट्र से थी, लेकिन वो जो है उनकी शादी जो हुई थी वो राजस्थान में हुई थी। और जिस समय प्रतिभा पाटिल का नाम आया राष्ट्रपति पद के लिए, उनका नाम दिया कांग्रेस सरकार ने, उस समय मनमोहन सिंह जी की सरकार थी, उस समय ये राजस्थान की ही राज्यपाल थी, ठीक है। तो प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जिनका कार्यकाल सन 2007 से लेकर सन 2012 तक का है। इतनी बातें याद रखेंगे। अब 2012 के बाद की कहानी देखते हैं।
2012 में फिर से राष्ट्रपति चुनाव होते हैं, 2012 में कांग्रेस की सरकार होती है केंद्र में, और तत्कालीन केंद्रीय वित्त मंत्री अर्थात प्रणब मुखर्जी, जो कि पश्चिम बंगाल से संबंध रखते थे, उनका नाम सुझाया जाता है राष्ट्रपति पद के लिए, और वो चुनाव जीतते हैं। इसमें पीए संगमा उनके विरोध में खड़े होते हैं, तो पीए संगमा हार जाते हैं और प्रणब मुखर्जी जीतते हैं, और प्रणब मुखर्जी जो हैं राष्ट्रपति बनते हैं सन 2012 से लेकर के सन 2017 के दौरान। ठीक है, अब सन 2017 में फिर से राष्ट्रपति के चुनाव होते हैं, और अब जो राष्ट्रपति चुने जाते हैं वो होते हैं रामनाथ कोविंद, उत्तर प्रदेश के रहने वाले, उस समय बिहार के राज्यपाल थे 2017 में, जब इनका नाम राष्ट्रपति के लिए जो है नामांकित किया गया, इनका नाम जो है उजागर किया गया। ये दलित समुदाय से थे ये भी, ठीक है, खास बात बताता हूँ इनके बारे में। ये बिहार के राज्यपाल थे और अपने समय में इन्होंने एक बहुत बेहतरीन काम किया, जो यूनिवर्सिटीज़ में जो करप्शन था, जो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार था, उसके लिए इन्होंने एक न्यायिक आयोग का गठन किया कि अब जांच करो यूनिवर्सिटीज़ में करप्शन किस लेवल पे है, कैसे होता है, कौन करप्शन कर रहा है। जांच के लिए उन्होंने एक न्यायिक जांच कमेटी जो है गठित की अपने कार्यकाल में। 2017 से इनकी कहानी शुरू हुई, 2022 में जाकर के इनका कार्यकाल पूरा हो गया। 2022 में अब जो राष्ट्रपति चुनी गई हैं, आपको मालूम होना चाहिए कौन है राष्ट्रपति, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, जो उड़ीसा की रहने वाली हैं, और राष्ट्रपति चुनाव के समय, राष्ट्रपति चुनाव से जस्ट पहले वो झारखंड की राज्यपाल थी। ठीक है, द्रौपदी मुर्मू जो कि संथाल जाति से संबंध रखती हैं और प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। तो ये हमने यात्रा की 1950 से लेकर के वर्तमान 2023 तक कौन कौन से राष्ट्रपति चुने गए हैं और किस किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में क्या क्या विशेष ऐतिहासिक घटनाएं हुई हैं। ठीक है।